हाल चाल है, कौन बात कर रही है? अच्छा, मैं दुरे नजर बात कर रही हूँ मुल्तान से जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह के शुक्र, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था। जी जरूर पूछे जी, पूछे जी। मुझे ये पूछना है कि मेरा सर में मेरे फ्रंट वाले पोर्शन में ना आगे वाले हिस्से में डैंड्रफ होती है, पैची डैंड्रफ जो होती है जी, वो स्केल है या पाउडरी? जी वो स्केल्स बनते हैं छिलके या स्केल्स बनते हैं, पाउडरी नहीं है, ठीक है, बनते हैं ये विंटर में बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, जो मस्टर्ड ऑयल है इसको तो मैं वैसे ही यूज कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे बाल भी बड़े चिपके चिपके से हो जाते हैं आफ्टर वॉश भी ना। और दूसरा ये है कि एक प्रॉब्लम मेरे साथ और हुई है कि मैंने रिबॉन्डिंग करवाई, जिससे बाल मेरे ना बिल्कुल जल गए और अब बिल्कुल उनमें जान नहीं है ना, कि बहुत बहुत अच्छे बाल थे, बहुत अच्छे बाल, ठीक है, बड़े हेल्दी बाल थे। तो फिर आपने रिबॉन्डिंग क्यों कराई? ये सब स्टैंडर्ड रिबॉन्डिंग, मेरा बहुत फर्ली और फ्लफी और फ्रीजी है। हाय हाय, अच्छा वो फ्रीजी है की वजह से, ठीक है। बहुत फ्रीजी था जिससे बहुत ज्यादा मैं तंग आई थी। असल में हर गली मोहल्ले के जो सैलून खुल गए ना उनके अंदर यही है, वो सब स्टैंडर्ड, असल में जो ब्रांडेड अच्छी मशहूर जगह होती है वहीं से कराना। बड़ी ब्रांडेड, मैं बात करती हूँ, मैं बड़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ मैंने करवाई, बड़े पर्स मैंने करवाई थी, तो उसको ट्रीटमेंट को हैंडल करना भी होता है करने वाले। लेकिन अभी मतलब मेरे बाल जले, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी मैं ले रही हूँ, वो मजा नहीं है बाल ऐसे। अब तो खैर बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज इसको पहले ही ठीक होने में, नए बाल आने में, और ये जो जितना ज्यादा केमिकल लग गया है वो नुकसान बर्दाश्त करने में आपको एक आध दो साल लगते हैं पूरे ट्रीटमेंट से ऊपर होने में। तो अब ये कि इसके साथ बर्दाश्त और इलाज दोनों की बहुत सख्त जरूरत है। और जहाँ तक हाँ, और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें ये है कि जो आप डैंड्रफ की बात कर रही हैं वो डैंड्रफ नहीं है, बकौल आपके डिस्क्रिप्शन के ही वो सोराइसिस लग रही है, लेकिन इसको एग्जामिनेशन करना जरूरी है। ये मस्टर्ड ऑयल की हालत नहीं है कि वो इसको ठीक कर सके, ये एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, और उसके लिए मेडिकेशंस की जरूरत है, जिसमें इसके ऊपर लगाने के जेल्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं और शैम्पूज आते हैं, और उनको कंटिन्यूस उसमें लगाना पड़ता है, और जब ये खत्म होने लगे सोराइसिस या कम होने लगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी इन चीज प्रोडक्ट्स की कम करनी पड़ती है। लेकिन सोराइसिस कम्स एंड गोज़, जेल कुछ शैम्पू नहीं, शैम्पू एक्चुअली बगैर देखे दिया नहीं जा सकता, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसके शैम्पू डैंड्रफ के शैम्पू से मुख्तलिफ होते हैं, और फिर इसके बाद जब आप शैम्पू कर लें तो लीव ऑन स्प्रेज एंड जेल्स आती हैं जो उन पोर्शंस पे लगानी पड़ती है, ताकि ये स्केलिंग का प्रोसेस जरा स्लो डाउन हो, और जब वो स्लो डाउन होता है तो देन आप उसको ऑनर बताते हैं जी। तो ये चीज है कि सोराइसिस का इलाज काफी टैकी है, इसके अलावा उनके और बॉडी पार्ट्स भी देखने चाहिए, क्योंकि सोराइसिस कहीं और भी निकल सकता है। लेकिन ये तेल वेल हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है जी कि फला तेल लेके लगा दें, ये 6-7 हर्ब्स का तेल मिला के लगा दें, ये सब बेवकूफ बनाने के जराए हैं, होता कुछ भी अच्छा। नहीं है, सिर्फ कंडीशनिंग का काम है तेल का, वो आप थोड़ी देर लगाइए, 1-2 या बहुत बहुत 4 घंटे दिन में ओवरनाइट लगाने से गुरेज करें और फिर उसको रिंस ऑफ करें। देखिए वही ना, अगर आप अच्छे ब्रांड से भी करा रहे हो, कभी कभी आपके साथ मिसाब हो ही जाता है, आपके बाल सूट नहीं कर रहे होते, आपके बाल खराब हो जाते हैं। इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट आती है ब्रांड के अलावा भी करने वाला, जैसे मैं बताती हूँ कि अगर आपने तेज चूल्हा खोल दिया तो खाना जलेगा ना, तो अभी कसूर मुर्गी और मसाले का नहीं है, ऑपरेटर का ऑपरेटर, तो इसी का मतलब इनके केस में अगर ब्यूटिशियन स्किल नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छा था मगर तो भी अगेन आपको वो रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बताऊं, मैंने आई थिंक 3-3.5 साल पहले करवाई थी सॉफ्ट स्ट्रेटनिंग थाईलैंड से, और आप सोचें कि नाजिया इतनी सस्ती हुई थी कि जब मैं वापस आई मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताई तो वो परेशान, जो 20,000 की करा रही थी, मैंने 1500 भात में कराई थी जो यहाँ पे मेरे ख्याल से 3,000 रुपए पड़ते थे, और आप यकीन करें वो थी मेरी 8 मंथ्स की, 1-1.5 साल वो मेरे बालों से नहीं निकला था, और आज तक मेरे बालों में कभी ये नहीं हुआ था कि कोई उसकी वजह से कोई परेशानी हुई हो या कुछ ही हो। बहुत तो इंपॉर्टेंट होता है, करने वाले पे डिपेंड करते हैं और कहाँ से आप करा रहे हो, अच्छी जगह यहाँ बैंग्स है, यहाँ वहाँ से आप कराओ तो चलो ठीक है। अब मुल्तान में पता नहीं कौन सा ब्रांडेड पार्लर तो खोल लिया होगा उन्होंने, बेशक इनको लगता होगा बहुत ब्रांडेड है, लेकिन शायद उसको इतना आता है, जो करने वाली है वो इतनी एक्सपर्ट नहीं होगी, ज्यादा छोड़ दे वो केमिकल लगा के तो बाल जल जाते हैं। बिल्कुल अच्छा नाजी, ये हम फंगस पे जो बात करें, मुझे ये बताएं कि ये फंगस पानी का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, अभी मैं उसी पर तो मुझे बताएं कि आप कैसे बचा। ह्यूमिडिटी का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो लोग जिम जाते हैं बहुत पसीना आता है, वो लोग अगर अपने कपड़े चेंज नहीं करते तो फंगस आता है, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं स्विमिंग के करीब के एरिया जहाँ पानी के पडल्स बने हुए होते हैं और उनकी अगर प्रॉपर सफाई ना हो तो वहां से लगता है, जिम में जो लोग जाके टॉवल्स इस्तेमाल करते हैं जिमी के और वो अगर ज्यादा प्रॉपरली वॉश नहीं हुए हुए तो अगेन लगता है, आप एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके कपड़े भी शेयर हो रहे हैं, जैसे
घर में आप लोग दो बहनें एक दूसरे के कपड़े शेयर कर रहे हैं, एक तरह का फंगस जी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स भी करते, अगेन उसको धोना बहुत जरूरी है वरना वो लगता है। अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये आती है कि जब हम लोग आप क्या नाम है कंटेजियस होने के अलावा जब एक चीज एक तरह का फंगस है उसको पिट्रेसिस वर्सिकुलर कहा जाता है, वो ये होता है कि जैसे किसी ने छींटे आपके ऊपर मारे हैं और उस तरीके से आपकी वाइट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादातर पसीने की वजह से होता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग नहा तो शायद फिर लेते हैं लेकिन वही कपड़े दोबारा रियूज़ करते हैं। मैं इसी पे आने वाली थी और बिला झिझक में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, लड़कियों को अपनी माओ को मतलब माओ को ये बात समझाऊंगी कि अपनी बच्चियों को पहले से ट्रेनिंग दें कि जब बच्चियां बड़ी हो रही थी जैसे छोटी बच्चियां उनकी गार्मेंट्स को आप चेक करें कि वो चेंज हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है आप कपड़ा तो नया पहन लेंगे जो कि सच है, मैं लड़कों को भी कहूंगी छोटे बच्चों को लड़कों को कि जो आपके गार्मेंट्स होते हैं ना उनको आप बकायदगी से आई थिंक दिन में दो दफा भी चेंज करना पड़े तो आप जरूर करें, गर्मी में तो करें जरूर करें क्योंकि वही गार्मेंट्स आप बार बार पहनते हैं तो उसका भी बहुत असर होता है नाजिया। तो कपड़े की धोने की बचत से नहीं छोड़े, पानी नहीं है कौन धोए, हमारी एक और गंदी आदत होती है ना कुछ लोग लड़कियां बड़ी बड़ी ऐसी होती हैं कपड़े तो चेंज कर लेंगी लेकिन आप देखें जब आप गार्मेंट्स पे आ जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं वहीं से गड़बड़ होती है। एक कॉन्सेप्ट है ना कि क्या है किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं है क्या देखा है, आपके अपने लिए कितना जरूरी है आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। अभी इन्होंने बात की कि दो लड़कियां बहनें शेयर करती हैं, हम फ्रेंड्स आपस में कपड़े शेयर करती हैं लेकिन वो भी आप देख के करें कि आपकी फ्रेंड कितनी साफ सुथरी है, ये भी तो आपको देखना होता है। अगर आप गंदी कोई आपकी फ्रेंड है जो बिल्कुल ही हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही है और बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं है तो फिर उसके साथ तो आप नहीं एक्सचेंज कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आइडियली कोशिश ये करें कि आप ना ही करें और अपने ही कपड़ों पे इत्तफाक करें, अपने टॉवल पे अपने ना कहें, आप कभी कभी कपड़ों की बड़ी जरूरत पड़ती है तो एक्सचेंज करने पड़ते हैं। हाँ आपको पता है मॉर्निंग शोज में मैंने कितनी अपनी फ्रेंड्स के कपड़े लगा ले आज समीना है शुरू में इतने कपड़े पहने अपनी फ्रेंड्स के क्योंकि भाई कम पड़ते थे क्या करें कितने लेके कपड़े, बिल्कुल तो यही होता है कि आप इस तरह चेंज लिए और इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज भी करें लेकिन हाइजीन कॉन्सेप्ट लेकिन हाइजीन कॉन्सेप्ट। और एक और चीज, आप किसी की चीज लेते हैं तो एटलीस्ट अगर आपने उस पर कोई आपसे कोई स्पॉट गिर गया कुछ लग गया है या गंदा हो गया और खास तौर पे प्लीज आर्मपिट्स के जितने निशान होते हैं वो किसी के कपड़े अगर आपने पहने तो एटलीस्ट उसको ड्राई क्लीन करके बिल्कुल ये हमारे यहाँ अगर लेने और देते वक्त अगर ये तमीज और तहजीब हो तो मेरे ख्याल फंगस के कोई काफी हद बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन यही होता है कितना अर्सा लगता है इसकी ट्रीटमेंट में, देखिए डिपेंड करता है किस एरिया के, जैसे पिट्रेसिस वर्सिकुलर अगर होकर हम बात कर रहे हैं तो 14 डेज का ट्रीटमेंट होता है, अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं जहीर बात करें अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जहीर बात करें जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी ठीक ठाक आप कैसे हैं बिल्कुल ठीक बोलिए मुझे वो डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे आंखों में थोड़ी एक पिगमेंटेशन टाइप जैसी हो गई है ब्राउनिश टाइप जैसी ठीक है बिल्कुल लाइट सी मतलब अगर गौर से देखो देखा तो नजर आए मतलब यूं दूर से किस नजर तरफ है आंखों के किस तरफ है लेफ्ट आई में लेफ्ट साइड पे बॉल के लेफ्ट पे अंदर आंखों के अंदर जी अच्छा अच्छा ठीक है ये आपको वैसे आंखों के डॉक्टर इस बारे में बता पाएंगे लेकिन अमूमन आंखों के अंदर अगर कोई चीज डेवलप हो रही होती है अगर ये पुरानी है तो ये बर्थमार्क है अगर नहीं है तो रीसेंट ऑनसेट की कोई चीज है कि कोई ट्रॉमा हुआ या कोई चीज हुई जिसकी वजह से आपका ब्लड वगैरह लीक हुआ है बेहतर है कि आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे ये हमारे डोमेन में नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो ये लेजर टाइप वगैरह से भी हट जाता है ये दिखाना पड़ेगा कि वजह क्या है ऐसा तो नहीं वहाँ कोई जख्म हो गया था जो अब हील हो रहा है कोई आई स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट आपको बताएगा वो एग्जामिनेशन करेगा तो पता चलेगा आपको तो फिर ब्राउन कलर नजर आ रहा है नीचे के पैथोलॉजी जब वो एग्जामिनेशन करता है तभी नजर आती है आप उनसे। और एक और पूछना था जैसे जैसा हमारा ये खानदानी है कि बाल गिरते हैं अब्बू भी थोड़े से आगे से गंजे टाइप जैसे हो रहे हैं तो अगर उनसे उससे बचना हो तो क्या करना है? अच्छा ठीक है उसके लिए आपको बता देती हूँ कि आप गंजे टाइप जैसे ना हो तो आपको बता देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग देखिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इन्होंने आंखों की बात की मैं भूल ना जाऊँ नाजिया मैंने ना उस दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी यूट्यूब पे कुछ सर्च करी थी ऐसी बैठ के सर्फिंग करी थी तो मैंने एक उसमें दिखा रहे थे कि अल्लाह के अजाब और अल्लाह की कुदरत और ये सब
तो मैंने एक बच्ची देखी जिसकी आंख में क्रिस्टल है. ओह वाह. और उसको पूरा दिखाया हुआ था, आई थिंक जेरूसलम में रहती है कहीं. और उसकी पूरी आंख दिखाई, इतना मोटा क्रिस्टल नाजिया आंख में लगा, इतना मोटा क्रिस्टल. और उस बच्ची को पूछा तो उसने कहा मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मेरी आंख में कुछ है. देखिए क्रिस्टल है अंदर, इधर इधर अंदर की तरफ. और वो कहती है उसको, जाहिर है जब देखने वाले को लग रहा होगा कि कितनी इरिटेशन हो रही होती है, आप कितने वो हो रहे होते कि यार किसी की आंख में क्या है. और वो कह रही मुझे कभी फील ही नहीं हुआ. और फिर डॉक्टर्स उसको कह रहे थे कि हम निकाल दें और क्या करें. तो थैंक यू सो मच नाजिया. इसी टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक चलाएंगे. आज हमने लेट स्टार्ट किया तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे क्योंकि इस सीजन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और नेक्स्ट वीक नाजिया तो कहीं जाने वाली है नहीं, अल्लाह करे कि नाजिया के कोई ट्रिप अभी तो थोड़े रुक जाए और नाजिया ना जाए. तो नेक्स्ट वीक नाजिया से मुलाकात होगी. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर साइम अली. विल बी राइट बैक.